मीटर या तो 0 मीटर ले लूंगा या फिर 2023-22 का मॉडल ले लूंगा। अंजू तो भाई कल का व्लॉग आपके भाई ने नहीं बनाया, तो उम्मीद करता हूँ याद तो किया होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये व्लॉग आपका भाई खुद बनाएगा क्योंकि ये व्लॉग मेरा है, और ये व्लॉग बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी बाइक जो है उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं, उसको हम लोग न्यू करने वाले हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है, तो जुड़े रहो, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। चलो अभी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, खर्चों में खुश होंगे। जितने नए लोग आए हैं इस व्लॉग को देखने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दूँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके घर तक डिलीवर हो सके। ऐसा व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। इस व्लॉग में हम अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन दिखाएंगे और सारा उसका काम दिखाएंगे। सी अभी पुरानी हालत में, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में, अभी बीच में बहुत टाइट थी तो, लेकिन अब जाके हम लोगों ने अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन अच्छी चमकानी है। मॉडिफिकेशन नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे डलवानी है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो है नहीं, पर चमकानी है उसको, जहाँ जहाँ से उसकी खराबियाँ हुई हैं ना उन सब चीज़ों को ठीक करना है। चलो अभी फ़िलहाल जो है सुबह सुबह उठे तो अभी फ़िलहाल जो है नाश्ते का सीन है, नाश्ता करते हैं और उसके बाद रेडी होके निकलते हैं। क्या कह रही हो इधर देखना, कुछ कह रही थी इसलिए मुर्दासिर का पैम्पर चेंज किया, उस पर ऐसा मुंह बना रही है। यार आपका भाई जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ये वैसे अगर देखा जाए ना तो बहुत दिनों से यही कपड़े पहने हुए, वो गरीब का बच्चा चलते हैं, मैंने यही कपड़े पहने, मैंने बोला बाहर जाके वैसे भी गंदे होने ही हैं। हाँ भाई भाई तो चलो गाइस अभी निकलने का सीन है, बाहर चल के आपको बाहर के नज़ारे कराते हैं। धूप बहुत तेज़ है, हालत बड़ी ख़राब होने वाली है मेरी, लेकिन चलो काम तो करवाना है ना। और हो सकता है वलू मैं नई बाइक ले लूँ, नई बाइक खरीद लूँ, 0 मीटर या तो 0 मीटर ले लूँगा या फिर 2023-22 का मॉडल, लेकिन चमचमाती हुई बाइक लूँगा। खैर जो भी होगा बाहर चल के आप लोगों को दिखाते हैं, साथ में मार्केट चलते हैं, मार्केट में अगर नई बाइक पसंद आई तो वो या फिर उसी बाइक को ही करवाते हैं रिपेयर। कुछ महीने हुए होंगे, हाँ कुछ महीने हुए, 7 महीने हुए। चलो ना देखते हैं ना, लाइक सी गाइस क्या होता है, लेकिन चमचमाती भी बाइक लूंगा। खैर जो भी होगा बाहर चल के आप लोगों को दिखाते हैं, साथ में मार्केट चलते हैं, मार्केट में अगर नई बाइक पसंद आई तो वो या फिर उसी बाइक को ही करवाते हैं रिपेयर। कुछ महीने हुए होंगे, हाँ कुछ महीने हुए, 7 महीने हुए। चलो ना देखते हैं ना, लाइक सी गाइस क्या होता है। अच्छा जी, तो भाई यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, औरंगजेब मार्केट जो चलाई जाती है सदर से। थोड़ा सा आपको ये मिल जाएगी औरंगजेब मार्केट, यहाँ पे होल सेल रेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं बाइक। और यार गर्मी का मत पूछो, इतनी शदीद गर्मी है तो मैं बता नहीं सकता। जो इसको भाई ये सारा सामान ले लिया है भैया, अब मैं ये सारा सामान ले कर रिक्शे में घर जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक छोटे भाई को दे दी है, वो ले कर आ रहा है पीछे से। और यहाँ का ट्रैफिक कभी ज़िंदगी में क्लियर नहीं होगा, हमेशा आपको रश मिलेगा। अब उसका मूड नहीं है। इतने में तो मेरा कुछ सोने का बन जाता गाइस। इतना सा सामान है, ये इतना सा सामान हमारा आया 25,500 रुपये का। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 25,000 का मतलब पूरा लुट गया यार, जिंदगी भर की कमाई निकल गई मेरी तो। एक टायर है पिछला और ये अगला टायर है दूसरा। एक टायर मुझे पड़ा है 3,200 रुपये का, ये मतलब
होलसेल मार्केट से लिया, हो सकता है ये वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद हो। आप लोग कभी भी किसी दुकान से लो, उससे कहीं गुना कम में आपको ये सामान मिलेगा। मुझे 25,000 रुपये का पड़ा है, तकरीबन ये 32-33,000 रुपये का सामान है। अब दिखाता हूँ मैं आपको छोटे मोटे आइटम। अच्छा जी, तो ये ब्रेक शू आ गए। जो बाइक वाला बंदा होगा उसको समझ आ जाएगा कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ये लॉक आ गया, ये सिंगल लॉक होता है जिसमें लॉक भी हो जाता है और इग्निशन स्टार्ट भी हो जाता है। ये एक सीन हो गया। ये आ गए इंडिकेटर्स। अच्छा, इस इंडिकेटर का फ़ायदा ये है। अच्छा, मैं कोई बाइक के पार्ट्स का रिव्यू नहीं दे रहा आप लोग को, आप लोग समझो बाइक के पार्ट्स का रिव्यू दे रहा हूँ। ये मैं अपनी मॉडिफिकेशन कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सामान अभी डाला है। इसमें ये फ़ायदा है, एक टूटता नहीं है आसानी। इंशाल्लाह ये बाइक तैयार होगी ना यार, आप लोग खुद बोलोगे कि नहीं यार मेहनत करी आपने। आज बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा यार। ये आ गया हॉर्न, जो कि मेरी बाइक में था नहीं और मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी इसकी। अब इसके अलावा आ गया अपने पास ये हेडलाइट भी ले आया। मेरी बेगम इसी वजह से मुझे जब खड्डा आता था ना तो पीठ पे मुक्का मारती थी, तो क्योंकि मेरे को नज़र नहीं आता था, ऐसा लगता था किसी ने मोमबत्ती जलाई है। तो बस ऐसे ही कुछ कुछ आइटम है सारे। बाकी चेन इस पॉकेट है वो मैं क्या के बता रहा हूँ, अगर लेडीज देख रही हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई लड़के देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। ओके ओके, तो लेडीज देख रही हैं हाउस वाइफ जो है उनको समझ नहीं आएगा, लड़के होंगे उनको समझ आ जाएगा। मेरे कपड़े आज दर्जन को दे आए, चलो क्योंकि मेरे पास तकरीबन जो है ना 5 सूट रखे हुए हैं और पांचों के पांचों दे देती हूँ। सही है, अभी शोर है मेरे, तभी खर्चा करवा लो। तो गाइस अब सीन ये है, पार्ट सारा आ गया। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग में मैं सिर्फ आपको पार्ट्स दिखा सकता हूँ कि ये सारे पार्ट्स आ गए हैं। अब इसकी चलते हैं हम लोग वलू के, जो कपड़े हैं बहुत सारे कपड़े दिलाए हुए थे इसको, लेकिन वो अभी दर्जन को दिए नहीं, तो अभी चलते हैं वो दर्जन को देने। क्या हो गया मेरी जान, क्या कर रहे हो? अगर ये गिर गया तो चलते हैं दर्जन को लेने। आपके बाप की रोजी है ये, इसी से ही हमारा घर चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, रोजी इससे आ रही है। इस बार कुछ नया लाया स्लीक का ही, अच्छा लग रहा है। देर में निकाल के, हां निकाल ले, एक सेकंड में खोल देना। चलो गाइस मैं एक स्कार्फ ले लूं फिर मैं वापस आती हूं। तो गाइस खाना खा लिया है, मैंने मुंह धो लिया और दूसरी चीज मैंने हाथ से एक स्कार्फ ले लिया। अब मैं आप लोग को ना स्कार्फ दिखाती हूं, वो स्कार्फ है ये, मैं एक सेकंड पहन के दिखाती हूं। चलो कैमरा पकड़ना गाइस, ये देखो कितना प्यारा है ना, सर्दियों के लिए ना ये स्कार्फ अच्छा स्कार्फ है जो मैंने ऊपर से, वैसे मैंने देखा दूसरा था लेकिन जब आहद ने सामान खोला ना ये गाइस, तो ये वो स्कार्फ है। और इस स्कार्फ की सबसे अच्छी बात है कि ये सिल्क का है, और इस स्कार्फ का कपड़ा ये देखो कितना प्यारा है। और बाइक के ऊपर ना ये फ़ौरन से उतरता नहीं है, जॉर्जेट के स्कार्फ ना फ़ौरन से उतर जाते हैं, ये उतरता नहीं है। तुम लोग बोलोगे कपड़े चेंज हो गए, हाँ मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि वो वाइट वाली कमीज़ ना मैं रात में पहन के सोती हूँ, क्योंकि वो बहुत हल्की है तो बहुत ठंडी है। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है कि रूम कूलर होने की वजह से अल्लाह पाक का बहुत आसान है कि घर में बहुत ठंडक रहती है। और ये सामान मैं जब जब देख रही हूँ मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इतना महंगा सामान है, इतना महंगा सामान है। बंदा इतनी महंगी 125 खरीदता और फिर इतना महंगा सामान भी खरीदता है। 25,500 रुपये का सामान है ये, सीरियसली 25,000? इतने में तुम मुझे गोल्ड की रिंग बना के दे सकते थे पर तुमने नहीं दी। अच्छा नहीं आती क्या? बोलो 21,000 रुपये का ग्राम है, 1 ग्राम सोना 21,000 रुपये। 1 ग्राम की बना देते, 1 ग्राम की कौन सी अंगूठी बनती है, क्या हो गया? बुंदे तो बन गए, कम से कम 2 से 2.5 ग्राम। गाइस तुम लोग को पता है मैंने ना ये अपने ऊपर का कान छिदवाया था, जब मेरे हाथ से फड्डा हो जाता है ना। उन लोगों को बोलो अगर कोई सोनार के काम में आप किसी चीज में हेल्प चाहिए हो मुझे बताना। आपका भाई जो है दुकानदार अगर 1,00,000 रुपए की चीज़ बना के दे रहा है, आपका भाई 75,000-80,000 रुपए में बना के दे रहा। और गाइस इसका काम बहुत अच्छा होता है, ये देखो और ये देखो, ये इस रिंग को 4 साल हो गए। हमारा काम है हैंडमेड का, उसको भी कुछ बोलना है। हमारा हैंडमेड का काम है, हैंडमेड काम है। मैं वो देखती थी वो बिल कल रात वाला जो मार से सामान लाया, इतनी बड़ी फिनाइल की बोतल तो पता सर कितने की दी है, 320 रुपये की। 320 रुपये की पोछा लगाने की फिनाइल की बोतल।
और गाइस मैं तुम लोग, मैंने उसका साइज तुम्हें रात में शायद रात में मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया था, वो तकरीबन जो है यार इतना तकरीबन मिल गया। अच्छा तुम सामान उठा रही थी ना, मेरा ख्याल था, मैंने बोला यार 6,000 5,500 7,000 का बिल है ये, और जब उसने मुझे बोला ना 1,800 चले क्या लेके तो आए, दूध वगैरह भी नहीं है, दूध आएगा बस बाकी सारा सामान। तो गाइज ये है कि ये हमारा मुन्नू बैठा हुआ है, ये हमारा मुन्नू ना उसको कुछ ना कुछ करना होता, अब देखो हमने इसकी वजह से फ्रिज भी निकाला, ये सब हो गया। जो बात सच है आहत की मेकिंग बहुत अच्छी थी, मतलब ये रिंग मुझे थोड़ी सी ना पतली हो गई है पता नहीं क्यों, लेकिन आहत तुम्हारी नज़र में कोई दर्जी या दर्जन है जो ये सूट सी थे के डी ए में है, लेकिन मुझे उसकी सिलाई नहीं पता कितने की है, अपने अब्बा को शिकायत कर रहा है। चलो गाइस खैर अभी ये है कि मैंने अभी सफाई की थी, लेकिन मुतसिम ने थोड़ा सा इस पर स्नैक्स फेंक दिया, तो मैं ये साफ़ करूँगी, आज आपको काम है। चलो ना कब लेके जाओगे, चलो गाइस चलते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ। और यार अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, मैं फिर से एक बात बोलूँगी, आई हैव सो मच बेटर हस्बैंड। मैं बोलती हूँ अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे ये शोहर दिया, अभी ज़्यादा तारीफ करनी ना सब कुछ। तुम ये शर्ट क्यों, तो तुम्हारे लिए ऐसी तुमने उसे इतनी शर्टें दी क्यों अगर तुम्हें ये शर्ट्स पसंद नहीं थे? यार ये बहुत पुरानी शर्ट है, उस दिन ब्लॉग में मैंने बताया था 3 साल पुरानी शर्ट है ये, लेकिन अभी भी मेरी फिटिंग देखो कितनी प्यारी आ रही है इसमें। तुम कमज़ोर हो गए पता है तुम्हें, दो साल पहले तुम्हें ये बहुत फिट थी। अच्छा तुम लोग को वैसे एक बात बताऊँ, ये थोड़ी सी मतलब अनबिलीवेबल बात है, बट ये मेडिकल बोलता है तो शायद होगा कि मतलब जब बच्चा होने वाला था अगर माँ मोटी होती तो अब्बा भी होता, और आहत बहुत मोटा हो गया था उन दिनों में। आहत की एक फ़ोटो अभी थोड़ी देर बाद तुम लोगों को अपने फ़ोन में दिखाऊँगी, इतना मोटा हो गया था कि उसके पूरे गॉल इतने मोटे मोटे, और मैं आने जाता हूँ मुझे आहत मोटा नहीं पसंद, मतलब उस वे में मोटा था, ये बहुत हेल्दी हो जाता है, इसके गॉल इतने गल्ले वल्ले निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता हूं। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, ये ना इसके गॉल इतने बड़े हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, और ना फिर ना इसकी जो ये मूछें, ये सर्दियों में मोटा हो जाता है, सर्दियाँ मतलब ये अभी जब सर्दियाँ आएंगी ना आप लोग देखना इतना मोटा हो जाएगा, और जब ये सो के उठता है ना अक्सर कुछ व्लॉग्स में बहुत मोटी होती है, और यही चीज़ इसके अंदर सेम है, ये जब बहुत मज़े से सो के उठेगा ना इसकी आंखें मोटी हो जाती है। अभी सीन ये है बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं बाहर, और बाहर के उसे इसको घर में छोड़ जाएं, इसको घर में छोड़ दो, चलो आप घर में रहो हम जा रहे हैं, आहद आहद इसको देखो, चलो गाइस हम लोग चलते हैं। फिर तो भाई आपका भाई जो है वो रेडी हो चुका है बाहर डेट पे जाने के लिए, डेट क्या की डेट बस ऐसे ही घूम फिर के आ रहे हैं, और वल्लू के कपड़े जो हैं वो दर्जन को देने ताकि वो कपड़े उसके रेडी हो जाए, और वो कपड़े वो वाले जो हैं वो पहनना शुरू करें, बहुत टाइम से वो कपड़ा रखा हुआ है लेकिन वो सिल के नहीं आ रहे, तो चलो वल्लू वल्लू रेडी हो रही है, मुर्तसिम को बस चेंज करवाना है, उसके बाद जो है अपन निकलते हैं, ये पंखा चल रहा है, पंखा नहीं है जहाज़ है ये, चलो क्या कर रही हो, अपनी पलके निकाल रही हो क्या, पलके चुन चुन के निकाल रही है, तो चलो अब सीन ये है बाइक का काम हो गया कल पे, क्योंकि अब कल जो है मुझे बाइक पूरी तरीके से रेडी करनी है, तो आज हम लोग सिर्फ जो है बाकी का सामान वगैरह लेके आ जाएंगे, जो घर पे ज़रूरी सामान है वो लेके आ जाएंगे, और उसके बाद जो है कल के व्लॉग में आप लोग को बाइक का भी सामान सारा हो जाएगा, बाइक रेडी करके मैं आप लोग को दिखा दूँगा, फिलहाल अभी निकलते हैं और उसके बाद का सीन मैं आप लोग के साथ। गाइस वी आर बैक, हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, अनदर एपिसोड। हाँ हम लोग इतना लेट गए कि सब बंद था, और दर्जी के लिए दर्जी के पास पहुंचे तो याद है कपड़े लेकर ही नहीं गए, बाकी 3-4 जगह और जाना था, सारी चीजें बंद, पूरी मार्केट बंद, और हमने चाटी कमाना वमाना नहीं है, जल्दी बंद हो जाता है 10 बजे। अच्छा। हम लोगों ने चाट ली कि हम पार्क में बैठ के खाएंगे, और फिर जब हमने प्लेटें ले ली हमें चमचे नहीं मिले, तो अब वो प्लेटें लेके हम घर पे वापस आए, घर पे बैठ के ही खाएंगे, अब इसका नसीब ही खराब है। मैंने बोला यार अच्छा सुकून से वहाँ पे व्लॉग भी थोड़ा बहुत शूट हो जाएगा, चाय पियोगे अभी? नहीं खास दिल नहीं है वैसे मेरा, तो बस फिर तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ मैं इसलिए खास। चलो भाई यही, और उसको देखो अभी नीचे सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई होती हैं, छोटी 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 छोटी, ऐसे तो बच्चों से बहुत छोटे थे, उनके साथ बहुत मज़े से खेलता है हमेशा, वो उसको जब भी देखते हैं वो उसको प्यार
देखो क्या मिल गया। ओए ओहो ओए चलो आहार चलो यार आज खाना खा ले। चलो भाई बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्यों बस थकान हो गई है। ओके तो भाई खाना वाना भी हो चुका है, चाय वाय भी हो चुकी है। अब जो सीन है मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके पास 1-5 है तो जो मर्द हजरात देख रहे हैं, लड़के हजरात देख रहे हैं वो सुन लें, तो अगर आपके पास 1-5 है तो उसका बजट मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब गली सड़ी है, बहुत सारा काम है उसके अंदर। तो उसके पार्ट्स आप लोग सदर रणछोड़ लाइन से औरंगजेब मार्केट से आप जाओ और अपना सामान वहाँ पे अच्छे रेट में ख़रीदो और अपने घर की तरफ किसी भी अच्छे मैकेनिक को जो 1-5 या 150 का काम करते हो उनसे अपनी बाइक का काम करवाओ। कम बजट में आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, टंकी टापे सलेंसर आपको कुछ भी चाहिए एक्स वाई ज़ेड आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाएगी। सलेंसर नहीं लाया ना, सलेंसर तो मेरे पर नया है। सारी चीज़ें आपको बहुत कम रेंज में मिल जाएगी। ये था हमारा बजट चैलेंज बाइक का 1-5 का CG 1-5 जो हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया है। तो व्लॉग को एंड करते हैं और आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। कमेंट में कुछ भी सीखा, हाय हेलो, अल्लाह हाफिज़।